सवाल ये है कि क्या फोर्ड इंडिया में सच में कमबैक कर रही है? वेल, फोर्ड के कमबैक को लेकर फोर्ड से ज्यादा इंडियन मीडिया, न्यूज आर्टिकल्स और हम जैसे यूट्यूबर्स इसे ओवरहाइप कर रहे हैं। ये टीम बीएचपी का एक पोल है जिसमें नियरली 73% लोगों को यही लगता है कि फोर्ड को लेकर फालतू हवा बनाई जा रही है। अब आप बोलोगे कि सिर्फ 300-400 लोगों के पोल से क्या फर्क पड़ता है? बता दूं कि पोल का आंसर देने वाले लोग कोई नॉर्मल सोशल मीडिया यूजर्स नहीं है, बल्कि ये वो लोग है जिन्हें सच में कार से रिलेटेड काफी नॉलेज है, इवन मुझसे या फिर किसी बड़े यूट्यूबर से भी ज्यादा। और ये किसी इन्फॉर्मेशन के लिए किसी वीडियो पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये कम्युनिटी में एक दूसरे लोगों के ओपिनियन से इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और मोस्टली खुद ही ज्यादा रिसर्च करते हैं। होता क्या कि सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब पर जो भी पोल डाले जाते हैं, काफी ज्यादा यूजर्स होने की वजह से जिन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस पोल दिख जाए तो वो एक ऑप्शन को वोट कर देते हैं, जिसके चलते उनके पास एक पोल करने वाली ऑडियंस तो होती है लेकिन वो इतना एक्यूरेट नहीं होते। लेकिन स्टिल क्या हम ये कह सकते हैं कि फोर्ड कमबैक नहीं करेगी, ये सिर्फ हवा बना रही है? फोर्ड ने इंडिया को दो बार छोड़ा, पहली बार 1953 में ड्यू टू स्ट्रिक्ट इंपोर्ट लॉज, फिर 1995 में महिंद्रा के साथ एंट्री करने के बाद 2021 में फिर इंडियन मार्केट को एग्जिट किया ड्यू टू मिसमैनेजमेंट और कुछ ऐसे कदम उठाए जो उन्हें नहीं उठाने चाहिए थे। वेल, इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर रखी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए, फोर्ड कमबैक को लेकर जो लोग बात कर रहे हैं या फिर एंडेवर की हाइप क्रिएट कर रहे हैं, उनमें से मोस्टली लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एंडेवर खरीद सके। ऑल्दो पसंद तो सभी को है, इंक्लूडिंग मी, बट इससे फोर्ड को कोई फायदा नहीं, क्योंकि फोर्ड अच्छे से जानती है कि उनके प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। फिगो, इकोस्पॉट एंड एंडेवर वर ग्रेट प्रोडक्ट्स, द एक्चुअल प्रॉब्लम वाज इन मैनेजमेंट, जो कि कंपनी का एक इंटरनल मामला है। तो इससे ये पता चलता है कि फोर्ड का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है ये दिखाने में कि हम कमबैक कर रहे हैं, बल्कि ये हाइप न्यूज आर्टिकल यूट्यूबर्स और मीडिया बना रही है, वो आपको पता ही है क्यों। ऑल्दो इंडियन कार मार्केट में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज काफी है और आने वाले कुछ सालों में तो कार मार्केट इंडिया में काफी बूम करने वाला है, जिसके चलते फोर्ड जरूर चाहेगी कि वो इंडिया में अपना पैर रख ले। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम फोर्ड के कमबैक के टाइम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी न्यूज आर्टिकल और एनी यूट्यूब वीडियो। पर उससे पहले ये समझते हैं कि फोर्ड के कमबैक की इतनी ज्यादा हाइप कैसे बनी। जब कंपनी ने इंडिया से एग्जिट लिया था तो उन्होंने अपना चेन्नई वाला प्लांट सेल नहीं किया था, जिससे काफी लोगों को ये लग रहा था कि फोर्ड इन फ्यूचर इस प्लांट का यूज करेगी इंडिया में दूसरी गाड़ियां लॉन्च करने के लिए। इसी के चलते काफी लोगों को ये बिलीव हुआ कि फोर्ड इंडिया में दोबारा आएगी, लेकिन इस प्लांट को सेल ना करने का रीजन कुछ और है, जिसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। फिर ये एक रेंडर इमेज इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल होती है, जो कि बेसिकली फोर्ड का एक पेटेंट है फोर्ड एवरेस्ट के लिए। ये इंटरनेट पर इतनी ज्यादा वायरल हुई कि लोगों को लगा कि अब तो बस फोर्ड आ ही गई। इसके बाद फोर्ड और टाटा के पार्टनरशिप की रूमर न्यूज आई एंड फाइनली फोर्ड की रेंजर और एवरेस्ट को देखा गया। हालांकि एवरेस्ट का एक बेस मॉडल है जिसे हो सकता है इंडिया में टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज किया जाए। फिर एक और पेटेंट आता है फोर्ड की तरफ से, जो कि बेसिकली फोर्ड इकोस्पोर्ट का एक रेंडर है, और इस रेंडर पर बेस्ड कार का अनऑफिशियल डिजाइन भी सामने आया है। ऑफ कोर्स ये फोर्ड की तरफ से ऑफिशियल इमेज नहीं है, बट एज आई सेड अर्लियर इन दिस वीडियो की मीडिया पूरी कोशिश करेगी हाइप बनाने की। बेशक ये ऑफिशियल इमेज नहीं है, लेकिन पर्सनली मुझे तो काफी अच्छी लगी। आपको क्या लगता है, क्या फोर्ड इकोस्पोर्ट को ये रिप्लेस कर पाएगी? हालांकि इसी सेगमेंट की फोर्ड के पास एक ऐसी कार भी है जो कि इंडियंस के लिए काफी प्रैक्टिकल है और डिजाइन वाइज तो एकदम यूनिक है। मुझे ये कार पर्सनली पोर्शा जैसे प्रीमियम ब्रांड की याद दिला देती है। इसके बारे में भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, इसको भी आप चैनल पर जाकर जरूर देखें। फाइनली पिछले कुछ टाइम की यही सारी चीजें थी जो फोर्ड के कमबैक की काफी ज्यादा हाइप क्रिएट कर रही थी, लेकिन अभी तक फोर्ड की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। इवन मैंने फोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, फोर्ड के सोशल मीडिया हैंडल सारे कोने छान मारे, लेकिन मुझे कहीं पर भी ये नजर नहीं आया कि फोर्ड इंटरेस्टेड है इंडिया में वापस आने को। अब आप बोलोगे कि बेशक वो सोशल मीडिया या फिर वेबसाइट पे नहीं बता रहे, लेकिन रियल लाइफ में जो ये कारें दिख चुकी है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पक रहा है। वेल, इनका जो चेन्नई वाला प्लांट है वो कंपनी ने इसीलिए सेल नहीं किया क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है जहां से एक्सपोर्ट करना काफी इजी है और शिप पोर्ट्स भी चेन्नई वाले प्लांट के नजदीक है, जिसके चलते हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि बेशक वो इंडिया में लॉन्च करे या ना करे, बट उन्हें इंडिया में बना के बाहर तो एक्सपोर्ट कर ही सकती है, क्योंकि अमेरिकन ब्रांड्स इंडियन मार्केट को समझ ही नहीं पाती। दे थिंक कि चार पैसे फालतू लो लेकिन चीज बढ़िया दो, बट हम इंडियंस को चार पैसे कम चाहिए लेकिन चीज बढ़िया चाहिए, जिसके चलते मारुति जैसी अफोर्डेबल और लो रनिंग कॉस्ट वाली गाड़ियां काफी पॉपुलर है इंडिया में, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन ब्रांड्स फोर्ड, जनरल मोटर्स को इंडिया को छोड़कर जाना पड़ा। ऑल्दो फोर्ड के प्रोडक्ट्स तो काफी अच्छे हैं, लेकिन इनकी मैनेजमेंट इतनी बेकार थी,
उससे रिलेटेड अभी तक कोई भी न्यूज नहीं आई है कि उसमें कुछ सुधार किया गया हो, लेकिन इनके प्रोडक्ट एवरेस्ट और रेंजर को काफी लाइमलाइट मिला है। अब आगे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे आप फोर्ड के कमबैक को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वैसे तो अगर हम न्यूज मीडिया या फिर रिपोर्ट्स की माने तो किसी न्यूज पोर्टल के हिसाब से ये इस साल अक्टूबर में या फिर किसी के हिसाब से 2025 में इंडिया में आ जाएंगे, बट पर्सनली मुझे लगता है कि इंडिया में आईसी के अलावा ईवीज भी काफी पॉपुलर होने वाले हैं। हालांकि काफी कार एंथुजियास्ट ऐसे होंगे जिन्हें ईवी पसंद ही नहीं, लेकिन ओवरऑल सभी इंडियंस को चाहिए तो किफायती गाड़ियां ही, बेशक वो पहली बार में कितनी महंगी पड़े। फोर्ड भी चाहेगा कि इंडिया में अपकमिंग ईवी मार्केट को फोर्ड कैप्चर कर ले, और अभी फोर्ड की इलेक्ट्रिक व्हीकल मैक ई से रिलेटेड काफी सारी न्यूज आ भी रही है। ओवरऑल कंक्लूजन पर आए तो दो सिनेरियो है। पहला, या तो फोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल लॉन्च या स्टेटमेंट आए कि वो इंडिया में दोबारा आ रहे हैं, या फिर वो इंडिया से सिर्फ व्हीकल्स को एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर मेरी पर्सनल थिंकिंग ये है कि रेंजर जैसे व्हीकल की डिमांड इंडिया में थोड़ी कम है, ऑल्दो हाइलक्स ने काफी बढ़ा रखी है, स्टिल इतनी भी ज्यादा नहीं है कि फोर्ड एक ऐसे सेगमेंट पर रिस्क ले जिसकी डिमांड इंडिया में कम है। लेकिन बाकी एशियन कंट्रीज में काफी ज्यादा डिमांड है इन पिकअप ट्रक्स की, तो ये भी पॉसिबल है कि फोर्ड इन पिकअप ट्रक्स को यहाँ पर बनाकर बाकी एशियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करे। सेकंड सिनेरियो ये है कि इंडिया में ईवीज का एक अच्छा मार्केट बन जाए, जो कि डेफिनेटली बन रहा है, तो फोर्ड इंडिया में ईवी को प्रेजेंट कर सकती है अपने एक दो आईसीई कार्स के साथ साथ। अब देखो, मैं कोई फोर्ड का ओनर तो हूं नहीं कि मैं तुम्हें एक एग्जैक्ट डेट बता दूं कि फोर्ड इंडिया में इस तारीख को आएगी, बट आई होप कि आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा कि फोर्ड का इंडिया में क्या फ्यूचर है, जिसके बेस पर आप ये गैस कर सकते हो कि ये इंडिया में कब तक आएगी। बाकी एक वीडियो को बनाने में काफी टाइम मेहनत लगती है, तो अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड करी हो तो एक लाइक जरूर कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में।